निकलती है, आपका एक ही काम में उठेगा, आपकी दिल्ली तक दौड़ेगी। दिल्ली में हनुमान बेनवाल बैठा है, तीन विधायक विधानसभा के अंदर है और लाखों लोग राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और दोनों पार्टियों का हाथ मिला लेती है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी राजस्थान के किसान मुझे मदद करवा रहे हो भाइयों, ये मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई है, ये गरीब किसान के बेटे और राजाओं की लड़ाई है। राजमार्गों से सरकार को गरीब किसान के बेटे की झोपड़ी करने लेके आओ और मारा गरीब किसान के बेटे की बीजेपी के नेता घर घर घूमने लगे, गली गली राजस्थान के बड़े नेताओं की मीटिंगों के कार्यक्रम करते हुए ये जवानों के जोर और हुकार का एक परिणाम है। आप अपने भाई को ताकत देना जो अकेला इस राजस्थान को बचाने के निकला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी अगर राजस्थान का मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है नागौर का सांसद, पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है। भाई जब देश का किसान तकलीफ में था, हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी और किसानों के साथ सड़क पे दो दिन तक ठंड में बैठा रहा। राजस्थान के अंदर तीन चार बार मंत्री पद छोड़े, मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के जब तक राजस्थान की सेवा करूंगा तब तक सत्ता किसानों के हाथ में राजस्थान के अंदर नहीं आ जाती। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं जब कर्ज मुक्त किसान हो, रोजगार डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले मजा लेकर साम्राज्य जो उनको आराम से घर पहुंचा जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित हो, कानून का राज हो। थाने तहसील कचहरी में गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार उसका मान और सम्मान करे, ऐसा राजस्थान का मान मेरी बात विश्वास करता हूँ। सेमीफाइनल है ये 2023 का, सेमीफाइनल में आप बता दो, फाइनल मुकाबले में आगे भी राजस्थान के अंदर जीत दर्ज करेगी। ये पूरे राजा गरीब किसान के बेटे खुद का संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं इनके आस पास के लोगों को देखता हूँ, हर कोई पीड़ित शोषित गरीब आदमी इनके घर पे आता है, होटल में जहाँ बैठते हैं और लोगों की पीड़ा भी छूटते हैं, प्रयास भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का कोई काम होता है, कहीं खानदार माना मनवासी करता है, कोई पुलिस वाला करता है, तो आवाज उठाते हैं हर व्यक्ति की। ऐसे आदमी को विधान आपने सबको मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, भाजपा को दिया, निर्दलीयों को दिया, अब दोबारा आगे को मौका दे। एक बार मेरे पे भरोसा करो, मैं आपके सामने लड़ रहा हूँ और मैं जब से आया हूँ मैं इनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ घर पंचायत गांव के अंदर जाऊँ या नहीं पहुँच पाऊँ, मेरी आवाज रोज आप सुनते हैं। हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ा कर दोबारा आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे मजबूत करना, 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।